Assalamualaikum, another day, another hope. हम पहुँचे थे और फिर आके सो गए. तो मैं, मामा पापा नहीं सोए, बाकी हम सब सो गए थे. अभी उठे हैं, नौ ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, अब खाना खाने लगे हैं. यार ये होता है कि कहीं जाने के लिए बंदा जो घर से प्लानिंग करके आता है ना, कभी भी वो पूरी नहीं होती. अभी हमारा प्लान ये था कि हम जाएंगे सुबह सुबह, और सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हम क्या कहते हैं, मुरब्बे चले जाएंगे. अब जिनको मुरब्बे का नहीं पता, होते हैं जहाँ पे खेत होते हैं, बाग होते हैं फलों के, ट्यूबवेल श्यूबल होता है, वहाँ जाएंगे, ट्यूबवेल पे नहाएंगे, वापस आ जाएंगे, सो जाएंगे, और फिर उठ के नमाज़ पढ़ेंगे, खाना खाएंगे. लेकिन पर प्लान चेंज हो गया, हमने कहा खाना खा के जाएंगे दोपहर का. और गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है. मैं तो ना बाल चाल खोल के बैठी हुई थी, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे. मैंने कहा अच्छा नहीं, यहाँ पर नहीं बैठा जाएगा, आप जो है ना बाल बांध लीजिए. अब मैं आपको दिखाती हूँ उसी को. सारी रात मेरी गोद में सोता रहा है और अभी फिर सो रहा है. हेलो हेलो से हाय. सारी रात में टांगे तोड़ी, अभी भी तो बस जाग नहीं आ रही. छनकना नहीं है, रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं थी, मिस हो गया. सुन, मैं ना अभी क्या पूछ रही थी मम्मा से. मैंने कहा मम्मा फिर ने कभी ट्यूबवेल ना देखा? फिर कहा था क्यों, इतना भी छनकना नहीं हूँ. ट्यूबवेल नहीं देखा मैंने. वो नीचे रख दो, रख लो ना. अब हम जा रहे हैं असल गाँव. अम्मा मैंने वाले स्टोरी लगाई, इसके बाद अभी हम खाना खा रहे हैं, फिर हम असल गाँव जाएंगे. लोग कहते हैं कि असल गाँव, असल गाँव होता है जहाँ पे खेत होते हैं. फाइनली वी रीच रियल गाँव, जो कि मुरब्बा होता है, जहाँ पे खेत होते हैं, जहाँ पे फल होते हैं. ये पीछे ट्यूबवेल है जो कि चलेगा अभी थोड़ी देर तक, फिर इसमें हम ओपन एयर बात लेंगे. और जी फूफो एक्सप्लेन करें, माल्टे के पौधे, ये माल्टे का बाग है फूफो लोग का, और ये अमरूद का, ये है मीठों का, और ये अमरूद का, ये अमरूद का, और ये आम का. मैरी जब पानी आएगा इसके बीच में तूने कैमरा रखना है. और बस सो बेटा. अच्छा इसका वो छोटा पौधा होता है वैसे? नहीं इतनी से हो जानी है. इनके ऊपर तेल लगते हैं, इसके ऊपर डोडी सी लगती है, उसके अंदर दाने होते हैं तेलों के. वाह माँ वाह, मुझे आज पता लगा कि तिल भी उगते हैं. मुझे लगा कि वो किसी चीज के अंदर से निकलते होंगे. वाह यार, निकलते होंगे जमीन के अंदर से. तिल भी उगते हैं? ओह तिल भी उगते हैं, मतलब नानों के ऊपर, बर्गर्स के ऊपर लगे होते हैं. कच्चे हैं अभी, ये देखें, ये देखें कच्चे. बस मुझे फल देखने का शौक है, खाने खोने का कोई शौक नहीं है. तोड़ के वैसे भी अभी कच्चे हैं, खाने वाले नहीं. ये कैसी इसका दरख्त है, और वो किसका था? माल्टे वो ग्रेप फ्रूट जो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े नहीं होते? हाँ हाँ वो. अच्छा ये कितने छोटे छोटे हैं अभी? बेबीज बेबीज. पापा और जो है ना ये बाद में आया, कालू कहते हैं हमने नहीं आना था, तुम लोग चटाई छोड़ के हम इसलिए आए, क्योंकि इन्होंने आके तो ट्यूबवेल ऑन करना था, ट्यूबवेल चलाना था. हम कहते हैं अच्छा ट्यूबवेल चलाते हैं, मतलब बटन ऑन करते ट्यूबवेल को नहीं चल जाता है. अब मजा आएगा, पार्टी होगी. I just follow your trail and the love's in your mind and the love's in your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way. काफी अरसे बाद जो है ना मैंने आम का दरख्त देखा. वाह वाह वाह, ये सही, ये होती है असल खूबसूरती. मैंगो फले, लेकिन हमारे मैंगो भी कच्चे हैं, ये पकेंगे तो ही हम. रिमेंबर के मैं बहुत छोटी थी जब मैंने लास्ट टाइम जो है ना आम दरख्त के ऊपर लगे देखे थे, और यार पता नहीं मेरा ना इस तरह मुझे बगात देखकर बड़ी खुशी होती है. एक किसी और को भी इस तरह होती है तो लेट मी नो. अब उन्होंने ट्यूबवेल ऑन कर लिया, वो चीखे मार मार के बुला रहे हैं आ जाओ आ जाओ. तो असल पार्टी जो होनी है वो पानी में ही होनी है, क्योंकि आज ब्लू है पानी पानी पानी. आप लोग कह रहे होंगे इतनी एक्साइटमेंट से किसी चीज़ की है. यार हम ना जब मामा के गाँव जाते थे तो गाँव जा के ट्यूबवेल पर नहाते थे सारे कज़न्स लोग, लेकिन फिर बड़े हो गए और अब तो पिछले 2 सालों से कोरोना 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 ही हो रहा है, तो ज़िंदगी ना अटक गई थी, रुक गई थी. लेकिन अब जो है ना लगता है दोबारा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह. वाओ 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 ब्रो यू आर ग्रेट. पापा 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 और मामा ने नहाना नहीं है, तो पापा कहते हैं मैं गीला ना करा, मैं गीला ना करा. फिर चटाई लेकर आया, मुझे चटाई लेकर भाग रहा. Thank you.
फुल नहा शहा लिया है, कान वाणी डलवा लिया है, फुल मेरा ये कान भरा हुआ है पानी से, निकल नहीं रहा। अब हम खाएंगे फ्रूट आड़ू शाड़ू। अजाने शुरू हो गई हैं सर की, जो मज़ा आया ना नहाने का, मैं कहती हूँ वो ना वीडियो में आपको नजर आया ना मैं लफ्जों में बयान कर सकती हूँ, यादें ताज़ी हो गई हैं पुरानी। ये है जी बिहाइंड द सीन्स। बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी, बचपन की बात है। फसीक बहुत छोटा होता था, बोलता था अच्छा खासा, थ्री टू फोर ईयर्स का होगा या 5 to 6 ईयर का, कंफर्म याद नहीं है। तो हम बैठे हुए थे आपस में बैठ के बातें शाते कर रहे थे कि फुफ्फो ये फुफ्फो वो, मतलब फुफ्फो की कोई बात करते ना, तो फसीक सुनता रहा। इसने कहा फुफ्फो तो वर्ड मैंने पहली दफ़ा ही ज़िंदगी में सुना है। और थोड़ी देर के बाद जब बातचात खत्म होगी तो कहता है मम्मा मैंने भी ना फुफ्फो खानी है। मम्मा कहती केड़े फुफ्फो खानी है, तो वो सोचता समझता रहा कि यार फुफ्फो कोई खाने वाला लफ्ज़ होगा, करारा सा लफ्ज़ लग रहा है, कोई निमको शिमको होगी कोई। अरे कहा नहीं फुफ्फो फुफ्फो खाते नहीं होते हैं, फुफ्फो भी किसी रिश्ते था ना, फसीम बैरिस हो रहे हैं। अभी मैं और फुफ्फो जा रहे हैं लीमू तोड़ने, अब हम बस वापस घर जाने वाले हैं, तो हमने कहा जाते जाते जरा लीमू तोड़ लें, अभी कच्चे ही हैं पक्के नहीं हैं, तो लेकिन फुफ्फो कह रही हैं कि प्याज वगैरह के ऊपर डालने के लिए ना थोड़े से ले जाते हैं। तो क्या हो फसल है, और मुझे कभी भी छलियों में और गन्नों में फ़र्क नज़र नहीं आता तकरीबन, तकरीबन दोनों की जो है ना देखने में फसल सेम होती है। वो लोग हैं उन्होंने मुझे पिक करना है, वो लोग जा चुके हैं, मैं बीच में आगे खड़ी हो गई थी। बाय बाय। अभी हम आए हैं फुफ्फो का घर देखने, शहर वाला नाम कौन, और इनके दो घर हैं गाँव में शहर में, तो अभी हम देखने आए हैं। और बाकी बच्चे पार्टी घर में है, कहते ना बड़ी जो है ना बड़ी बड़ी बेबी ब्याह ना, बाकी सारे घर से हम नहीं आई हूँ, और मुझे कहा कि तुम ना पिक्चर्स बना के ला। 6.5 hours later वी बैक होम। और आज मैंने क्या किया है, ट्यूबवेल पे नहाते हुए मैंने अपने पाँव का कबाड़ा कर लिया, मोइज़ ने एकदम से मुझे ट्यूबवेल में खींचा। अभी मेरा मूड नहीं था ट्यूबवेल में आने का, मैंने कहा था पहले वीडियो स्टूडियोज पिक्चर्स पिक्चर बना लेंगे, फिर एकदम से ना मतलब बाद में फारिश शारिक होकर कैमरे से रख देंगे फिर तसली से नहाएंगे। मोइज़ ने एकदम से मुझे पानी में खींचा, और उसको खींचने की वजह से ना मेरा जो पाँव है वो इन अल्लाह हो गया, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैं इसलिए अलग कमरे में आके जो है ना रिकॉर्ड कर रही हूँ, अरे अल्लाह मेरा पाँव इतना सूज, मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रही है। मामा को बताया था तो मामा कह रही थी, मामा को मैंने कहा मामा मेरा पाँव ना लगता है थोड़ा सा ना हिल गया है ट्यूबवेल पर नहाने की वजह से। मैंने सारा इल्जाम मोइज़ पे लगा दिया, मोइज़ ने एकदम से मुझे खींचा, तो मैंने सारा वजह मेरा इसी टांग पे आ गया, मेरा ठीक हो गया था, लेकिन अभी एहतियात की तो ज़रूरत है ना, कभी कभी दुखता था, तो मैंने वो फिर जो है ना काम ख़राब कर लिया, और इतना ज़्यादा मेरा पाँव सूज भी किया है और दर्द भी हो रही है। मैं किसी को क्या बताऊँ यहाँ पे, फिर किसी को बताएंगे तो टेंशन होगी, किसी को फिर हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, तो मैं नहीं बताऊँगी, मैं बर्दाश्त करूँगी इस। ये कहाँ से सूझा, ये देखें यहाँ से, ये पूरा ये वाली वेन जो है ना यहाँ से मेरा पाँव टूटा था, ये पूरा दोबारा से जो है ना। वैसे मैं हूँ बड़ी बदतमीजी, पाँव मेरा दुख रहा है, फिर मैं लंगड़ लंगड़ करती हूँ इनके साथ ही गई हूँ, मामा लोगों के साथ लेके सारे बच्चे बाकी घर थे, मैंने कहा नहीं मैंने तो जाना है मामा, मैंने तो जाना है। तो फिर अभी मैं वापस ऊपर भी गई हूँ, ऊपर कोई काम नहीं था मेरा, मैंने कहा मैंने तो ऊपर कमरा देखना था, इन्होंने नया बनवाया कैसा है। वो कह रहे बड़ी बेबों वाले सारे काम करने हैं। बस यार अभी हम बहुत थक गए, अब हम मिलेंगे कल, सो गई थी वैसे मैं आज, लेकिन फिर भी जो है ना थकावट हुई, सफ़र की बहुत ज़्यादा सफ़र किया अभी हमने दोबारा, तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।